الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم. बुजुर्गान मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ भाइयों, अभी हमारे कारी साहिब ने कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत तिलावत फरमाई। ये सूरत है तो छोटी सी, लेकिन उसकी मानवीयत बहुत अजीम है, बहुत बड़ी मानवीयत है। और जितनी छोटी सूरतें होती हैं उतनी ही जामिअ कंप्रेहेंसिव होती हैं, बहुत बड़ा मजमून अपने अहाते में लिए हुए होती। तीन सूरतें अल्लाह ने ऐसी ही छोटी छोटी नाजिल फरमाई, एक में तीन आयतें हैं, दूसरी में तीन आयतें हैं, तीसरी में चार आयतें। एक तो ये सूरत है वल असर, दूसरी है इन्ना अतैना कल कौसर, और तीसरी है कुल हुवल्लाहु अहद। ये छोटी तीन ही सूरतें। हम में से हर बंदे को ये याद है, और काश हम इन छोटी छोटी तीन सूरतों को समझ भी लेते तो बेड़ा पार हो जाता। जितनी ये छोटी हैं याद करना जितना आसान है, इसका समझना भी उतना ही आसान है, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं जाती इसकी तरफ, समझने की तरफ। याद तो अल्हम्दुलिल्लाह है, याद सबको क्यों है? अगर फटाफट नमाज पढ़नी हो तो ये सूरतें तीन याद कर ली हैं, उससे निमटा दो। देखो फर्जों में दो ही रकातों में क़िरात है, नफलों की हर दो रकातें अलग हैं,
बस उनमें भी दो रकत में कराते है। देखो मसला समझो, अगर फर्ज की पहली रकत में कुल हो अल्लाह पढ़ी, दूसरी में भी कुल हो अल्लाह पढ़े, तकरार करे, रिपीट करे, तो खिलाफ औला है, जायज है, जायज है, मगर ये खिलाफ औला है, मकरू तंजी। लेकिन अगर कोई जोहर की कोई चार नफलें पढ़ता है, पहली दो रकअतों में जो सूरत पढ़ी है वो पिछली दो रकअतों में रिपीट करे तो कोई कराहियत नहीं। क्यों? वो दो रकाते अलग हैं, ये दो रकाते अलग हैं। अब रह जाती है सिर्फ वित्र, एक ऐसी नमाज है जिसकी तीनों रकअतों में किरात है, तीनों रकअतें भरी पढ़ी जाती हैं। तो अल्लाह मियां ने तीन सूरतें छोटी छोटी नाजिल कर दी कि चल निमटा नमाज जल्दी जल्दी इससे। कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें चारों रकअतों में किरात हो, भरी पड़ी जाती हूं। आम तौर पर नफलें और फराइज में दो ही रकातों में किरात है, और नफलों में हर दो रकात अलग अलग नमाज है। बस सिर्फ वित्र ही एक ऐसी नमाज है, वन पीस नमाज है, जिसमें तीनों रकातों में किरात है। जब तीनों में किरात है, तीन छोटी छोटी सूरतें चाहिए, तीन अल्लाह मैंने नाजिल कर दी, जल्दी याद करो, फटाफट निमटो। लेकिन इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है कि तीन जो छोटी छोटी सूरतें हैं ये कितना अजीम मजमून अपने अंदर रखती हैं। अगर इस तरफ भी हमारी तवज्जो चली जाती है तो एक वीक में अगर हम एक सूरत समझ लेते, दूसरे वीक में दूसरी सूरत, तीसरे वीक में तीसरी सूरत, तो कोई मुश्किल नहीं थी। मेरे भाइयों समझो, अवामिल तीन हैं, फैक्टर अवामिल तीन हैं। अल्लाह हमारे खालिक व मालिक हैं, पर जरूरी है कि इंसानों के सामने अल्लाह का इंट्रोडक्शन हो, अल्लाह कौन हस्ती हैं। एक सूरत अल्लाह के तारुफ में है, कुल हुवल्लाहु अहद, पूरी सूरत अल्लाह के तारुफ में, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह कौन है जो तुम्हारे खालिक भी हैं और मालिक भी हैं, जिन्होंने तुम्हें पैदा भी किया है और उनके तुम्हारे मालिक भी वही हैं। जब मालिक वही हैं तो हम उनके बंदे हैं, हम उनके सर्वेंट हैं, हमें उन्हीं की इबादत करनी है, उन्हीं की वर्शिप करनी है। लिहाजा सबसे पहले तो अल्लाह को पहचानो। तो अल्लाह ने इस सिलसिले में एक सूरत नाजिल कर दी जिसमें मुकम्मल सूरत में अल्लाह ही का तारुफ है, और दूसरे हम हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह हमारे खालिक व मालिक हैं, तो ममलूक है वो, ममलूक हम हैं, बंदे हम हैं, सर्वेंट हम हैं। बस हमारी इस्लाह और भलाई से ताल्लुक रखने वाली एक सूरत नाजिल कर दी, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये सूरत हम इंसानों के बारे में है कि हमारी कामयाबी और नाकामी का मदार की चीज पर है। बताया इसी सूरत बताया कि नाकामी का मदार इस पर है, कामयाबी का मदार इस पर है। दुनिया की कामयाबी नहीं, आखिरत की कामयाबी, अल्लाह के यहां पहुंच कर कामयाबी। इसलिए कि दुनिया की लाइफ तो टेम्परेरी है, यहां की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है और नाकामी कोई नाकामी नहीं है। असल कामयाबी और नाकामी दूसरी जिंदगी की है। तो दूसरी जिंदगी में कामयाबी किन बातों पर डिपेंड है और नाकामी किन बातों का सबक बनती है, तो एक सूरत इसके बारे में नाजिल कर दी। चार इमामों में से एक इमाम हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमा हैं, बड़े इमाम हैं,
उनका ये कौल है कि अगर अल्लाह ताला सारा कुरान नाजिल न फरमाते, सिर्फ वल असर नाजिल फरमाते, तो तमाम इंसानों की इस्लाह के लिए ये सूरत काफी थी। ये किसी मामूली आदमी का कौल नहीं है, चार इमामों में से एक बड़े इमाम हैं, वो फरमाते हैं कि सिर्फ ये सूरत अल्लाह नाजिल फरमा देते तो तमाम इंसानों की इस्लाह के लिए सूरत काफी थी। इस कौल से इस सूरत की अहमियत का अंदाजा करो कि ये सूरत कितनी अहम है इंसानों के ताल्लुक से। और जब अल्लाह और अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम, इंसानों की इस्लाह के लिए अल्लाह का भेजा हुआ फार्मूला किसी शख्सियत के जरिए पहुंचेगा, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। देखो अल्लाह की नियमतें डायरेक्ट आती है, बारिश सीधी आती है वाया नहीं आती, हवा सीधी पहुंचती है, तंदुरुस्ती सीधी आती है, पानी सीधा नाजिल होता है, हर नेमत डायरेक्ट आती है। लेकिन सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीन है, अल्लाह का ये दीन हर आदमी के पास डायरेक्ट नहीं आता, वो नबियों के वास्ते से इंसानों की तरफ भेजा जाता है। सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस सलातो वस्सलाम सबसे पहले इंसान है और सबसे पहले नबी है। इससे दो बातें निकली, एक बात यह निकली कि कोई इंसान अल्लाह की हिदायत से मुस्तगनी बेनियाज नहीं हो सकता, अल्लाह की हिदायत उस हर इंसान के लिए जरूरी है, लिहाजा पहला इंसान ही पहला नबी। दूसरी बात यह निकली कि इन अल्लाह के पैगामात हर हर इंसान तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, कुछ शख्सियतें मुंतखब होंगी जिनको नबी और रसूल हम कहते हैं, अल्लाह अपने पैगामात, अपना दीन, अपनी हिदायतें फरिश्तों के वास्ते से नबियों पर आती हैं, फिर अंबिया और रसूल वो हिदायत इंसानों को पहुंचाते हैं। हजरत आदम अलैहिस सलातो वस्सलाम भी तो एक इंसान हैं, वो भी अल्लाह की हिदायत के मोहताज हैं। इसलिए जो पहला इंसान है वो पहला नबी है। ये जो वसाइत का दरमियानी वास्तों का सिलसिला चला तो 1,00,000 से जायद अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, जिनकी आखिरी कड़ी हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। बस ये जो बीच की कड़ी है इसके बारे में एक सूरत चाहिए, वो सूरत है इन्ना अतैना कल कौसर فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ। ये बीच की कड़ी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में ये छोटी सी सूरत सब सिर्फ आपकी शान में नाजिल की। अब खुलासा ये हुआ कि अल्लाह हमारे खालिक व मालिक हैं, हमें इस दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका फार्मूला अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे पास भेजा है, जो कुरान और हदीस की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। उस फार्मूले पर हम अमल करेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। और अगर उस फार्मूले के खिलाफ हमने जिंदगी गुजारी तो चाहे दुनिया में चंद दिन के लिए फल फूल लें, सक्सेसफुल हो जाएं, मगर अगली दो जिंदगियां आ रही हैं उन जिंदगियों में नाकामी होगी, घाटा होगा, खसारा होगा। ये है इन तीन सूरतों की मानवीयत। फिर अल्लाह का मकाम बुलंद है, अल्लाह अल्लाह है, और
अल्लाह के हबीब बादस खुदा बुजुर्ग थी, बादस खुदा अल्लाह के बाद हुजूर का मकाम है, और हमारा तो कोई मकाम ही नहीं है, हमारा भी एक मकाम है। वलकद करमना बनी आदम, हमने इंसान को इज्जत बख्श की। कहते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसके सर पे अल्लाह ताला ने इज्जत का ताज रखा है, तो हमारा भी एक मकाम है। मोमिन होने की हैसियत से हमारा भी एक मकाम है। तो हमारी शान में जो सूरत आई वो तीन आयतों वाली आई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो सूरत आई वो तीन आयतों वाली, और अल्लाह की शान में जो आयत जो सूरत आई वो चार आयतों वाली है। कुल हुवल्लाह में चार आयतें हैं, और इन्ना आतेना में और वलसलम में तीन तीन आयतें हैं। तो फर्क के मरातिब, जिसका जो मरतबा उसके एतबार से उसके लिए सूरत। बस मेरे भाई और बुजुर्गों, समझने की तो ये तीनों सूरतें हैं, लेकिन आज की मजलिस में हम सारा मजमून तीनों सूरतें नहीं समझा सकते। तो हमारे कारी साहिब ने जो सूरत पढ़ी है और जो हम इंसानों से मुताल्लिक है, आज मुख्तसर तरीके पर इसी सूरत को समझ लिया जाए। मेरे भाइयों, बात यहां से शुरू की है कुरान करीम ने कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली दुनिया नहीं है, ये टेम्परेरी दुनिया है। इस दुनिया को एक दिन खत्म हो जाना है, ये तो हम हर मुसलमान का हमारा अकीदा है। अल यौमुल आखिर पर हमारा एतकाद है। अल यौमुल आखिर के माना जानते हो? लास्ट डे। अल यौमुल आखिर का तर्जमा है लास्ट डे, आखिरी दिन, उसके बाद फिर कोई दिन नहीं। जैसे आखिरी पैगंबर खातमुन नबीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं, इसी तरीके पर ये जो दुनिया डे टू डे चल रही है, हफ्ते बनते जा रहे हैं, महीने होते बनते जा रहे हैं, साल बनते जा रहे हैं, कैलेंडर आगे बढ़ रहा है, ये जो चल रही है दुनिया हमारी, ये दुनिया हमेशा चलने वाली नहीं है, इसका लास्ट डे आने वाला है, इसको मानना है। देखो, ईमान में ईमान बिल गैब, ईमान बिल गैब ही है। ये सामने पंखा चल रहा है, इस पर ईमान लाना, ये कोई ईमान नहीं। ईमान बिल गैब है असल ईमान। कुरान करीम के शुरू में है अल्लदीन युमिनूना बिल गैब। गैब क्या चीजें हैं? वो चीजें जो हम आंख से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, नाक से नहीं सूंघ सकते, जुबान से नहीं चख सकते, हाथ से नहीं टटोल सकते, और हमारी अक्ल और बुद्धि के दायरे में, सर्कल में, फ्रेमवर्क में वो बातें नहीं समा सकती, हमारी अक्ल की समाई में वो नहीं आती। मगर अल्लाह के रसूलों ने, अल्लाह के नबियों ने, मुखबिर सादिक ने वही से वो बातें हमें बताई हैं, उनके एतमाद पर उन बातों को मान लेना, इसका नाम है ईमान बिल गैब। मेरे भाइयों, इस दुनिया का लास्ट डे आएगा, हम उसको कैसे जानेंगे? नाक से नहीं जान सकते, कान से, नाक से, आंख से, हाथ से, अकल से नहीं जान सकते। हमारी अकल तो ये कहती है कि जैसे दुनिया चल रही, चलती रहेगी ऐसी हमें, और काफिर इंसान ये मानता है कि जैसे ये दुनिया चल रही ऐसे चलती रहेगी। मगर मुखबिर सादिक ने, सच्ची खबर देने वाले ने हमें बतलाया, कुरान में बेशुमार जगहों में है, हदीसों में है, कि इस दुनिया का लास्ट डे आने वाला है, और वो ही आखिरी दिन है, उसके बाद फिर ये दुनिया फिनिश है, उसके बाद कोई दुनिया नहीं। ये जो दुनिया खत्म होगी, इसका नाम है कयामत।
हम सब जानते हैं उसका नाम है कयामत। आदमी की अक्ल ये कहती है कि दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी, इतना बड़ा आसमान है, इतनी बड़ी जमीन है, ये पहाड़ हैं, ये दरिया हैं, ये नदियां हैं, ये दरख्त हैं, ये हैवान हैं, ये जानदार हैं, ये गैर जानदार हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे और लास्ट डे आ जाएगा, दुनिया खत्म फिनिश। जी अल्लाह ने ये मजमून शुरू किया है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा से, जमीन में भूचाल आ जाएगा। और मेरे भाइयों, जब भूचाल आता है तो चंद सेकंड में सारा शहर तबाह हो जाता है, पूरे शहर को तबाह होने में कोई महीनों नहीं लगते हैं, चंद सेकंड के अंदर सारा शहर तबाह हो जाता है। तो कयामत जब कायम होने का वक्त आएगा तो भूचाल आएगा, इसका बयान है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा में। फिर उसके बाद एक दूसरी सूरत आई है, उसमें ये मजमून है कि आज दिलों में बातें पोशीदा हैं, एक दिन आएगा कि दिलों की बातें तश्त अज़बाम हो जाएंगी। इज़ा हुस्सिलत मा फिस सुदूर, तश्त अज़बाम ये फारसी लफ्ज है, बाम के माने हैं छत, कोठा। एक चीज कोठे के मकान के ऊपर रख दी जाए तो चारों तरफ से जो चाहे देख ले, मकान के अंदर जो चीज है उसे तो हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन मकान में से वो चीज निकाल पर छत पर रख दी जाए तो हर कोई देख सकता है। तो दिलों में जो बातें हैं वो सब तश्त अज़बाम हो जाएंगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह ने हमारे साथ भूल एक नेमत रखी है। हम जो भूलते हैं, ये भूलना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत के सहारे हम जी रहे हैं, अगर भूलना न होता तो हम पनप नहीं सकते थे दुनिया में। आप एक मिसाल ले लो, एक शख्स का अकलूता बेटा है, बड़ा प्यारा, मर गया, उसकी वक्त आ गया जिंदगी का खत्म होने का, बाप पर क्या गुजरती है, 24 घंटे रोता है, आंखों में से आंसू नहीं सूखते, क्या हो रहा है? अच्छा, बंदर जैसा मुंह तो है इसका। मगर 24 घंटे के बाद, दो दिन के बाद फिर सदमा हल्का पड़ता है, सदमा भूलता है, एक हफ्ते के बाद इतना भूलता है कि दुकान खोल लेता है, और महीने के बाद तो सदमा इतना भूल जाता है कि कभी कभी याद आता है, और साल भर के बाद तो कोई याद दिलाए तो याद आता, वरना याद भी नहीं आता। ये भूल है नेमत जिसके सहारे हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। और अगर हम सदमा न भूल सके तो आज बेटा गया है, हफ्ते के बाद बाप भी वहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, भूलना। जो आगे जिंदगी, दूसरी जिंदगी आ रही है, उस जिंदगी में इस नेमत की जरूरत नहीं रहेगी। चुनांचे अगली जिंदगी शुरू होते ही इस पहली जिंदगी में किया हुआ सब कुछ एकदम याद आ जाएगा, अच्छा भी और बुरा भी। सूरह नाज़िआत में है, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सअ। कयामत का दिन एक ऐसा दिन है जब कयामत को मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे तो पिछली जिंदगी में किया हुआ सब कुछ इंसान को याद आ जाएगा।
यौमयतज़क्करुल इंसानु मा सआ। कयामत का दिन ऐसा दिन है जिस दिन इंसान अपना सब किया कराया उसको एकदम याद आ जाएगा। इस दुनिया में भूल का पर्दा है, मगर मेरे भाइयों समझना चाहिए हर नेमत उसकी हद में नेमत है। हद से बेहद हो जाए तो फिर वो नेमत नहीं रहती, फिर हकीम के यहां जाओ इलाज कराओ। देखो फैट घी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, आदमी पैसे खर्च कर करके फैट लाता है, क्रीम लाता है, घी लाता है और खाता है। लेकिन अगर घी एक किलो एक साथ पी ले तो लोटा लेकर भागते भागते थक जाएगा कि घी तो बड़ी बहुत मुफीद है। भाई बेशक मुफीद है, मगर एक दर्जे में मुफीद है। मेरे खालाजाद भाई हैं, वो शहद गर्मियों में शहद लाए एक किलो बोतल भर करके, थोड़ा सुबह चाटा, थोड़ा 10 बजे, थोड़ा 11 बजे, थोड़ा दोपहर खाया, थोड़ा शाम खाया, 3 दिन में बोतल साफ। तो गर्मियों का जमाना था, गर्मी दाने निकल आए। तो हमारे पालनपुर में एक बड़े हजरत थे, मेरे उस्ताद थे, हकीम भी थे, उनके बाद दवा लेने गए, उन्होंने दवा दी, दवा के पैसे वैसे चुका दिए। फिर उन्होंने कहा हजरत मुझे एक मसला भी पूछना है। पूछो भाई। तो उन्होंने कहा हजरत शहद के बारे में तो कुरान करीम में आया है फीह शिफाउल्लिन्नास, शहद में लोगों के लिए शिफा है, अल्लाह तो ये फरमाते हैं, और मैं तो शहद खा करके फुंसियां निकल आई, बीमार पड़ गए। तो हजरत ने फरमाया मौलवी साहिब कुरान में फीह शिफाउल्लिन्नास आया है, फीह शिफाउल्लिल भैंस नहीं आया। ये जो तुम 3 दिन में 1 किलो वो शहद खा गए हो, ये इंसान का काम है, भैंस का काम है? यही हाल भूल का भी है। भूल अल्लाह की नेमत है, मगर अल्लाह का बंदा कुरान भी हिफ्ज करके भूल गया, और हमारी बच्चियां जो हिफ्ज करती हैं वो जब बड़ी हो जाती हैं, शादियां हो जाती हैं, औलाद हो जाती हैं, तो वो भी याद किया हुआ कुरान भूल जाती है। तो अब ये भूलने की जगह थोड़ी, जो चीज भूलनी चाहिए, बेटा मर गया उस सदमे को भूलना चाहिए। अगर कोई महीना पर रोता ही रहे तो दुनिया समझाती है कभी कब तक याद करोगे बेटे को, अब उस सदमे को भूलो भी, वो भूलने की चीज है, उसे भूलना चाहिए। लेकिन कुरान याद करके वो भी भूल गए, तो ये भूल का मिसयूज है, गलत जगह पर भूल को इस्तेमाल कर रहा। बेगम ने भेजा जाओ बाजार से 5 चीजें लेकर आओ, पैसे दिए। अब जनाब गए और बाजार जाकर 4 चीजें तो खरीदी, एक भूल गए। अब ये क्या भूल गए मालूम नहीं, घर बेगम से पूछने के लिए आए तो ये भूल गए कि क्या पूछने आया। तो ऐसी भूल, ये कोई नेमत नहीं, ऐसी भूल अगर किसी के अंदर ऐसी भूल हो जाए तो उसको हकीम से इलाज कराओ, अपने ओवर लिमिट हो गई है तुम्हारी भूल। तो कयामत का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सब चीजें तस तस बाम हो जाएंगे, कोठे पर आ जाएंगे, हमारी अपनी चीजें भी कोठे पर हैं, सबको नजर आ रही, खुद को भी नजर आ रही हैं। फिर क्या होगा? फिर फरमाया इंसान डिवाइड हो जाएंगे 2 हिस्सों में, एक वो होंगे जिनकी तराजू भारी हो जाएगी और एक वो होंगे जिनकी तराजू हल्की हो जाएगी। तराजू में कितने पलड़े होते हैं, आजकल तो एक पलड़े वाला भी की तराजू भी, बल्कि अब तो ऐसी तराजू है जिसमें पलड़ा ही नहीं, बगैर पलड़े के वो सब कुछ बता देते हैं। लेकिन एक आम तराजू का लफ्ज हम जब सुनते हैं तो तराजू में 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़े में नेकी होगी, एक पलड़े में बुराई होगी,
कुरान और हदीस में उस पलड़े का कोई तज़किरा ही नहीं किया गया जिसमें बुराई है। जिसमें बुराइयां रखी जाएंगी कुरान और हदीस में उसका कोई तज़किरा ही नहीं किया, क्या वो पलड़ा भी काबिले जिक्र है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सिर्फ वो पलड़ा जिसमें नेकी रखी जाएंगी उसी का तज़किरा आया है। ये पलड़ा भारी या हल्का तो खुद ही समझ लो, ये पलड़ा भारी तो दूसरा सामने वाला पलड़ा हल्का, और ये पलड़ा हल्का तो अगला पलड़ा भारी। तो हम कुरान और हदीस में इसी पलड़े का जिक्र है, सामने वाले पलड़े का जिक्र ही नहीं किया गया। अल्लाह अगर किसी चीज का जिक्र करें तो उसको भी एक अहमियत हासिल हो जाती है। तो दो हिस्सों में इंसान तकसीम हो जाएंगे। देखो इस दुनिया में इंसान रले मिले हैं, कयामत के दिन सेपरेट हो जाएंगे। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओ मुजरिमो आज सेपरेट हो जाओ, जुदा हो जाओ। इस दुनिया में रले मिले हैं, इसकी मिसाल लो गेहूं जब तक खेत में खड़ा होता है तो गेहूं घास भूस पत्ते सब एक साथ होते हैं, और फिर उनमें दाना गेहूं दाना वो भी अंदर छुपा हुआ होता है। जो जानता है वो जानता है, नहीं जानता उसको नजर भी नहीं आता, मगर वो जो दाना है अंदर उसी के लिए खेत बोया है बोने वाले ने। घास के लिए नहीं बोया, भूस के लिए नहीं बोया, दाने के लिए बोया है। और वो दाना जब तक खेत में गेहूं खड़ा है तो दाना छुपा हुआ है, और ऐसा छुपा किसी को नजर भी नहीं आता। मगर मेरे भाइयों एक दिन खेत को कटना है, कट करके खलियान में आएगा, खलियान में आने के बाद गहेगा, उसमें बैल घूमेंगे, चूरा चूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद बरसाया जाएगा। तो दाना यहां गिरेगा, भूस गया, और उस भूस से पहले गेहूं में से बालियां काटकर अलग करेंगे, घास अलग कर देंगे, जानवर खाएंगे। फिर बालियों में जो भूस है वो गहने के बाद में जब बरसाएंगे तो भूस आगे गया, गेहूं ये रहा। अब गेहूं तो जाएगा घर में कोठी में, और भूस और घास जाएगी कबाड़खाने में, वो भी कारामद है, उसे भी भैंसे खाएंगी। लेकिन कोई उस घास को और भूस को घर में ले जाकर कोठी में नहीं भरता, अपने बोरियों में भर करके घर में नहीं ले जाता, घर में तो अनाज ही जाएगा। मगर जब तक गेहूं खेत में खड़ा है ये दोनों रले मिले हैं। लेकिन हर इंसान जानता है कि दोनों रले मिले नहीं रहेंगे, एक वक्त आएगा जब सेपरेशन होगा। मेरे भाइयों इसी तरीके पर इस दुनिया में मोमिन और काफिर रले मिले हैं। कोई अपनी अक्ल से फैसला करना चाहे कि ये अच्छा या ये अच्छा, ये बुरा या ये बुरा, तो फैसला करना बहुत मुश्किल है। कभी ऐसा होगा कि नदी नाला चल रहा है, कूड़ा करकट उसके ऊपर उछल कूद कर रहा है। जब बरसात में पानी आता है, नदी नाले चलते हैं, तो पानी नीचे होता है और सारा कूड़ा करकट जो पानी के ऊपर बहता है उछलता कूदता जा रहा। ऐसा इस दुनिया में बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि पानी जो मुफीद है वो दबा रहता है, और कूड़ा करकट ऊपर कूदता रहता है, और सारी दुनिया के अंदर अपनी शान दिखाता है कि देखो मैं सब ऊपर हूं, देखो मैं कूद रहा हूं। ऐसा होता है, लेकिन फिर जब तालाब में नाला पहुंचता, नाला तालाब में पहुंचता है तो क्या होता है? एक हफ्ते के बाद जाओ पूरा पानी कूड़े करकट को किनारों पर फेंक देगा, और बीच में खालिस पानी रह जाएगा। तो जब नाले में आया तो पानी और कूड़ा साथ आया,
तालाब में पहुंच गया तो कूड़ा छट गया किनारों पर, हवा ने उसको किनारों पर फेंक दिया और बीच में खालिस पानी रह गया। इसी तरीके पर कयामत का एक दिन आना है जिस दिन इंसान रले मिले नहीं रहेंगे, जिसकी तराजू भारी हो गई वो एक तरफ, जिनकी तराजू हल्की पड़ गई यानी पलड़ा हल्का पड़ गया वो एक तरफ जाओ, जिनका पलड़ा नेकियों का भारी हो गया वो एक तरफ हो जाओ। फिर उसके बाद में ये सूरत है कि ये दो हिस्से इंसानों के अलग कहां से किस वक्त से शुरू हो जाएंगे, कहा जब तुम मरकर कब्र में दफन किए जाओगे वहीं से दो हिस्से अलग है। कयामत के दिन का इंतजार मत करो। हदीस शरीफ में है कि मन माता फकद कामत कयामत हो, जिसका इंतकाल हो गया तो उसकी कयामत शुरू। चुनांचे उसके बाद अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई जिसमें कब्र की जिंदगी का जिक्र है और तिर्मिजी शरीफ में हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहू की रिवायत है किताब तफसीर में, इसे सूरा अलहाकुम तकासुर की तफसीर में रिवायत है, हजरत अली फरमाते हैं कि हमें अजाब कब्र के बारे में पक्का यकीन नहीं था मगर जब अल्लाह ने अलहाकुम तकासुर नाजिल कर दी तो हमें अजाब कब्र का पक्का यकीन हो गया। हजरत अली का कौल है और तिर्मिजी शरीफ में है। क्या फरमाया? अल्हाकुम तकासुर, तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दिया कंपटीशन ने। ये जो तुम दुनिया के मामलात में कंपटीशन करते हो इसने तुम्हें आखिरत की तैयारी से गाफिल कर दिया। तुम इस कंपटीशन में आखिरत की तैयारी से गाफिल कब तक रहते हो? हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के तुम कब्रस्तान, मरकर कब्रस्तान पहुंच गए। एक तफसीर और आपने सुनी होगी कि लोग किसी दूसरे को दफन करने गए कब्रस्तान में भी खड़े खड़े कारोबार की बातें कर रहे हैं। ये तफसीर ठीक नहीं, ठीक नहीं नहीं सही नहीं है। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहू का इरशाद है और तिर्मिजी शरीफ में किताब तफसीर में है। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर का मतलब है कि हम खुद मरकर कब्रिस्तान में पहुंच गए, यानी पूरी लाइफ होल लाइफ आदमी कंपटीशन में एक दूसरे का मुकाबला करने में लगा रहता है। देखो मेरे भाइयों, कमाने में कोई हर्ज नहीं, माल बेकार चीज नहीं, माल इंसानों के लिए सहारा है, कमाने को बुरी चीज नहीं है। हदीस में कुरान में है कि माल इंसानों के लिए सहारा है और हदीस में यह है कि हलाल कमाना फर्ज है, पहले फरीजे के बाद सेकंड फरीजा है, माल बुरी चीज नहीं है। लेकिन मान कमाने में कंपटीशन बहुत बुरा है, क्यों? कंपटीशन जब होता है तो फिर तरह तरह की खराबियां बीमारियां पैदा होती हैं। आप हजरात सोचें, मुझसे ज्यादा आप इसको समझ सकते हैं। जायज नाजायज का फिर ख्याल कम रखेगा आदमी, बस अपने मुकाबिल से बढ़ना है। माल सही गलत का ख्याल कम रखेगा, मिलावट करेगा ताकि आगे बढ़े। सच झूठ का ख्याल कम रखेगा, खुद गर्जी और खैर खाही ये दो सिफतें मुकाबिल हैं। खुद गर्जी और खैर खाही, खैर खाही का नाम दीन है, दीन है, और खुद गर्जी इंसान को तबाह करती है। मैं अपनी फायदा सोचूं, ये है खुद गर्जी, मेरा अपनी गर्ज, और एक है खैर खाही, दूसरे का फायदा सोचना। कुरान करीम में जगह जगह है
وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ। और वो लोग जो खुद गर्जी से बचाए गए यही कामयाब होने वाले हैं। وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ। मालूम हुआ अगर कामयाबी आखिरत में चाहिए तो खुद गर्जी से बचो। और हदीस शरीफ में है दीन नसीहा, हुजूर ने फरमाया कि दीन दीन यानि दीनदारी खैर खाही की का नाम है, खैर खाही का नाम दीनदारी दीन नसीहा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह किसकी खैर खाही, हुजूर ने फरमाया तीन चार की खैर खाही, अल्लाह की खैर खाही, अल्लाह के रसूल की खैर खाही और मुसलमानों में जो हुकूमत के जिम्मेदार है पेशवा उनकी खैर खाही और सभी मुसलमानों की खैर खाही, कौन बचा। हुजूर ने फरमाया दीन खैर खाही, खैर चाहना, खैर चाहने का नाम दीनदारी है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह किसकी खैर चाहना, तो हुजूर ने फरमाया चार की, लिल्लाह वले रसूली वले अइम्मतिहिम व आम्मतिहिम। अल्लाह के लिए खैर चाहो, अल्लाह के रसूल के लिए खैर चाहो, हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं उमरा हैं हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं उनकी खैर चाहो और सभी आम मोमिनीन इंसानों की खैर चाहो, इस खैरखाई का नाम दीनदारी है। अल्लाह की खैरखाई क्या होती है, अल्लाह की खैरखाई ये है कि अल्लाह की सही मारिफत हो और उन्हीं की बंदगी हो। देखो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की बंदगी करता है ये अल्लाह के लिए खैरखाई है, अल्लाह की भी बंदगी करता है। अभी कब्र पर तवाफ कर रहा था और अभी आकर मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहा है, पार्टनरशिप कर रखी। एक वक्त कब्र पर घूम फिर रहा तो मन्नतें मांग रहा और तवाफ कर रहा सजदे कर रहा, फिर वहां से निकलकर मस्जिद में आकर अल्लाह के सामने भी सजदे कर रहा और बंदगी कर रहा, पार्टनरशिप। ये भी अल्लाह के साथ कोई खैर खाई नहीं। हदीस शरीफ में है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान कर देंगे आम अना अग्न शुरका, जिसने पार्टनरशिप में मेरी बंदगी की है मुझे ऐसी बंदगी नहीं चाहिए। अल्लाह ऐलान कर देंगे मैदान कयामत में अना अग्न शुरका, जिसने मेरी बंदगी पार्टनरशिप में की है मुझे ऐसी बंदगी नहीं चाहिए। जा मेरा जो जिसको जिसको तूने मेरा पार्टनर बनाया है जा बंदगी लेकर उसके पास जा और उससे सवाब ले ले, मुझे नहीं चाहिए वो बंदगी। तो अल्लाह की सही मारिफत और अल्लाह ही की बंदगी ये अल्लाह के साथ खैर खाई। अल्लाह की सही मारिफत और अल्लाह की खैर खाही, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह ही की बंदगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खैर खाही क्या है, हुजूर का मकाम और मर्तबा पहचानना। कुछ लोग हैं जो हुजूर को कोई हैसियत ही नहीं देते, कुफार, और कुछ लोग हैं जो हुजूर को उठाकर अल्लाह के बराबर कर देते हैं, वो मुसलमानों में हैं। अगर अल्लाह से जरा भी हुजूर को नीचे रखा जाए तो कहते हैं हुजूर की तोहीन हो गई। ईसाइयों ने भी यही किया था, ईसाइयों ने अपने नबी को उठाकर बढ़ाकर बिल्कुल अल्लाह के इक्वल कर दिया। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का यही तो मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम को बुलंद करके बिल्कुल अल्लाह के इक्वल कर दिया। हम मुसलमान कहलाने वालों में भी ऐसे बंदे हैं जो हुजूर का मकाम और मर्तबा उठाकर बिल्कुल अल्लाह के इक्वल कर देते हैं, और कुछ हैं जो हुजूर को कोई हैसियत ही नहीं देते, ईमान ही नहीं लाते। ये दोनों गलत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा पहचानना। वो मकाम और मर्तबा क्या है, बाद खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर,
چند لفظوں میں، تین لفظوں میں سن لو، بعد از خدا بزرگتوی، اللہ کے بعد مقام آپ کا ہے، اللہ سے تو ہیں حضور چھوٹے اور پوری کائنات کے ہیں سردار، ایک مقام و مرتبہ ہے، حضور کو اس مقام و مرتبہ سے نہ نیچے گرانا نہ اوپر اٹھانا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین کو چار دانگ عالم، دانگ فارسی لفظ ہے، دانگ معنی کنارے، دنیا کے چار کنارے، دائیں بائیں آگے پیچھے، دنیا کے آخری کناروں تک اس دین کو پھیلانے کی محنت حضور نے کی یا نہیں کی؟ بولو۔ تو حضور کے جو بیٹے ہیں ان کے ذمے یہ محنت نہیں ہوگی؟ حضور تو چلے گئے دنیا سے اپنے وقت پر، پھر قیامت تک اس دین کو چار دانگ عالم پھیلانے کی محنت کون کرے گا؟ آپ کی امت کرے گی، آپ کے بیٹے کریں گے روحانی۔ یہ حضور کے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی محنت کرنا، یہ دو باتیں حضور کی خیر خواہی، دو باتیں اللہ کی خیر خواہی تھی، اللہ کی معرفت، اللہ کو صحیح پہچانو اور اللہ ہی کی بندگی کرو، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو باتیں، ایک حضور کا مقام و مرتبہ بالکل جو صحیح ہے، اس مقام و مرتبہ میں رکھو، نہ اوپر بڑھاؤ نہ نیچے گراؤ، اور حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو چار دانگ عالم پھیلانے کی محنت کرو، یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی، حضور کے لیے خیر چاہنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، حکومت کے جو ذمہ داران ہیں ان کی خیر چاہنا یہ ہے کہ ان کی بات سنو اور ان کی بات مانو۔ اگر اللہ کی نافرمانی والی کو نافرمانی کرنے کا کوئی حکم دیں تو نہیں مانا جائے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی والا حکم نہیں ہے تو ان کی بات سنو اور مانو۔ اور عام انسانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ عام انسانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بات بتاؤ، ایسی بات مت بتاؤ جو ان کو دنیا میں نقصان پہنچائے آخرت میں نقصان پہنچائے۔ میرے بھائیو، مسلمانوں میں جو گمراہیاں پھیلتی ہیں، مسلمانوں میں جو گمراہیاں پھیلتی ہیں وہ گمراہ علماء کے ذریعے پھیلتی ہیں، خود بخود گمراہیاں نہیں پھیلتی، یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز کا سبب بنتے ہیں، تو گمراہ علماء کے ذریعے سے وہ گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ وہ گمراہیاں کیوں پھیلاتے ہیں؟ خود غرضی، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کے لیے، یہ خود غرضی ہے، اور اس خود غرضی میں لوگوں کو نقصان پہنچانے والی باتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک، لوگوں کو دنیا اور آخرت میں جو بھلائی پہنچانے والی باتیں وہ بتاؤ، یہ جو دین میں گمراہیاں، گمراہ علماء کے ذریعے سے جو دین میں گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں وہ آخرت میں نقصان پہنچانے والی، اور دنیا میں، دنیا میں خیر خواہی کی میں ایک مثال دوں۔ ایک بڑے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے چند باتوں پر، ان میں سے آخری بات یہ ہے، النصح لکل مسلم، میں ہر مسلمان کے لیے خیر چاہوں گا، اس پر بیعت کی۔ ان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو 400 دینار دیے اور کہا کہ ایک بڑا اچھا گھوڑا خرید کر لا، 400 دینار بڑی قیمت تھی، وہ گیا اور اس نے ایک شاندار گھوڑا اس کا سودا کیا، اور 400 دینار میں لے کر کے لوٹا۔
कि चल घर घोड़ा बांध दे और घर से आका के यहां से पैसे ले ले। पैसे लेकर नहीं गया था, इतनी बड़ी रकम लेकर नहीं जाया करते, उसके लिए क्रेडिट कार्ड लेके जाया करते ताकि रास्ते में कहीं डाका न पड़े। तो जब वो उसे लेकर आया, क्या भाई सौदा हुआ कि हजरत 400 में घोड़ा लाया। हजरत उठे और घोड़े के गिर्द घूमे, आगे से पीछे से घोड़ा देखा और उसके मालिक से कहा, भाई तेरा घोड़ा 400 का नहीं है, तेरा घोड़ा तो 500 दिनार का है, तू 500 दिनार में देता है तो बड़ा खुश होगा, 400 के बजाय 500 दिनार मिले बड़ा खुश होगे। फिर हजरत उठे, फिर घोड़े को घूमे और चारों तरफ से देखा और ये कहा, भाई तेरा घोड़ा 500 का भी नहीं, तेरा घोड़ा तो 600 का है, तू 600 में देता है? उसने वो कैसे देता हूं, अरे 600 दीनार उसे अदा किए और घोड़ा लिया और फरमाया कि मैंने हुजूर से बैत की है कि हर मुसलमान के साथ खैर खाई करूंगा, इसका घोड़ा जिस कीमत का है उतनी कीमत देना, ये उसके साथ खैर खाई। तो बहरहाल दुनिया में भी खैर खाई, आखिरत में भी खैर खाई। दुनिया की खैर खाई की मिसाल ये है और आखिरत की खैर खाई की मिसाल ये है कि सही दिन पहुंचाओ। इंसान है, इंसान से भूल हो सकती है, कौन बंदा ऐसा, कौन आलिम ऐसा जिससे भूल नहीं हो सकती। भूल से कोई बात गलत दीन के बारे में कह दी, चलो तो अल्लाह माफ करेंगे। लेकिन जो गुमराह उलमा है वो जानते बूझते सही दीन नहीं पहुंचाते, गलत दीन पहुंचाते हैं। वो जानते हैं कि जो हम बातें कह रहे हैं वो कच्ची बातें हैं, मगर लोगों को अपना गिरविदा बनाने के लिए, अपने जाल में फंसने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। यह बदख्वाही है आखिरत के एतबार। तो मैं असल समझा ये रहा था कि खुद गर्जी और उसका मुकाबिल है खैर खाही। खैर खाही दीन है, खुद गर्जी। तो जब कंपटीशन कारोबार में शुरू होगा तो फिर खैरखाही नहीं कर सकता आदमी, बदखाही करेगा, खुद गर्जी। मैं नुकसानात बतला रहा हूं, कमाओ, कमाना हलाल कमाना फर्ज है और सेकंड फर्ज है, फर्स्टली नहीं है। फर्स्ट नमाज पढ़ो, हज करो, और नमाज पढ़ चुके, हज कर चुके, अब कमाओ। माल बुरी चीज नहीं है, मगर माल कमाने में कंपटीशन बुरी चीज है, वो आखिरत से गाफिल करती है। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फिर आगे जिक्र है कि अब तुम कब्र में आ गए हो, अभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो अपनी पूरी होल लाइफ आखिरत को भूले रहे, कंपटीशन में फंसे रहे, तो अब आगे क्या अहवाल पेश आ रहे हैं सुनो। फिर आगे अजाब कब्र का जिक्र है, उसके बाद ये सूरत आई है जो कारी साहब ने पढ़ी थी, फिर उसके बाद जो अगली सूरत है वो अगली सूरत में कमबख्ती सुनाई गई है, वैलुल कुल्ले हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालं वअद्दद यहसब अन्न मालहू अखलद। फरमाया उस शख्स के लिए कमबख्ती है जिसमें तीन बातें, उस शख्स के लिए कमबख्ती है जिसमें तीन बातें पाई जाती है। एक वो हम्माज है, हम्माज के माने चौका मारने वाला, ये उंगली है किसी के पहलू में जोर से मारो, इसको उर्दू में चौका मारना कहते हैं, ये हमजा है और हम्माज है। और दूसरा लम्माज है, लम्माजा के माने आंख मारने वाला। तो फरमाया कि जो लोगों को चौके मारता है और जो आंखें मारता है, ये दो बातें जिसके अंदर है। अभी हम नहीं समझे चौका मारना क्या है, आंख मारना क्या है, ताना मारना क्या है, ऐब लगाना क्या है, अभी हम नहीं समझे। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालं वअद्दद,
ये वो बंदा है जिसने माल इकट्ठा किया और रोज गिनता है, उसको गिनता है। यहसबु अन्न मालहू अखलदा, गुमान करता है कि उसका माल उसका जिक्र खैर पीछे बाकी रखेगा। वो समझते जितना मेरे पास माल होगा इतना मेरा तस्करा मेरे बाद बाकी रहेगा। फरमाए ये है वो हुमजा लोमजा, अलहम्मा हम्माज और लम्माज, ये बंदा है यानी जिसको माल से इतनी मोहब्बत हो जाए कि बेजरूरत भी गिनता है। एक तो जरूरत होती है गिनने की, लेने देने की जरूरत में माल गिनना ही पड़ता है, बल्कि शरीयत का हुक्म है गिनो। एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अगर आप गल्ला खरीदें तो जब तक उसमें दो सा जारी न हो जाएं उसको आगे बेचना भी जायज नहीं है और घर में इस्तेमाल करना भी जायज नहीं। यानी एक बेचने गल्ले का बेचने वाला तोले नापे, फिर उसको आप लाकर खुद तोले नापे, फिर उसके बाद में घर में इस्तेमाल करें या बेचें, दो सा जारी होने जरूरी है। सा एक पैमाना था, उस पैमाने में गेहूं भर भर करके नापते थे, तो दो सा जब तक जारी न हो जाए, एक बाये का सा और एक मुश्तरी का सा, वहां तक आगे खाना और बेचना जायज नहीं। ये मसला कब है? अगर खरीदार मौजूद है और उसके सामने बाये तोल रहा है, बट्टा रखा, सामान रखा, तोल कर दे दिया, तो दो सा जारी हो गए। अब घर लाकर तोलना जरूरी नहीं, क्योंकि मुश्तरी के सामने तोला है। एक दूसरी सूरत है, हमने एक मन गेहूं खरीदे, सौदा हो गया, पैसे दे दिए, हमने कहा मैं बाजार खरीद कर वापसी में गेहूं ले लूंगा। वापसी में आए तो बाये ने, खरीदार के सामने नहीं, बाये ने गेहूं एक मन खरीद कर एक बोरे में भरकर बांध के रख दिए। लाओ भाई मेरे एक बोरे गेहूं, उसने कहा ले जाओ बोरा। अब ये जो बोरा घर ले जा रहा है, इसको बेचने से पहले और खरीदने खाने से पहले तोलना जरूरी है। क्यों? भूल होती है इंसान से, कमी भी रह सकती और भूल होती है, और एक धड़ी जायद भी आ सकती है। अगर धड़ी जायद आई है तो तुम्हारा नहीं है, और अगर धड़ी कम आई है तो उससे मांगो। इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि गिनना नापना तोलना तो है, बल्कि मुश्तरी के सामने अगर बाये ने नहीं तोला है तो मुश्तरी को घर ले जाकर तोलना है। एक आदमी बड़ा ही काबिल एतमाद आया, 10,000 की गड्डी लेकर, 10,000 की गड्डी लेकर, कर्जा था आपका, मांगते थे, उसने लाके दे दी। तो उसे ना गिनो के एतमाद नहीं, गिनो। कितना भी काबिल एतमाद हो, गिनने में उससे गलती हो सकती है, एक नोट कम भी हो सकता है, एक नोट जायद भी हो सकता है, और तुमने गिने बगैर बक्से में वो 10,000 की गड्डी रख दी, अंदर से एक नोट चूहा खा गया। चूहा जानते हो, घर में बच्चे होते हैं, बच्चों में जो बदमाश बच्चा होता है वो घर का चूहा है। घर में बच्चे होते ही हैं, एक बच्चा बदमाश है यानी मैं इसराफ करने उड़ाने वाला है, उसको मौका मिलेगा, एक नोट गायब कर गया। अब जब तुमने दूसरे वक्त देखा तो ये तो 99 नोट है, अब तुम्हारी बदगुमानी के वो पैसे 100 का नोट, एक नोट कम दे गया। अरे एक नोट तो बेचारा पूरे नोट दे गया था, तुम्हारे घर में गड़बड़ हुई, तो अब उसके बारे में बदगुमानी हो। इससे बेहतर ये है कि जब वो दे रहा उसी को गिन लो। तो गिनना बुरा नहीं है, लेकिन एक बंदा वो है जो बेजरूरत गिनता है। जब रात को सब सो जाते हैं तो गड्डियां निकाल निकाल कर गिनता है और खुश होता है कि इतनी गड्डियां हैं, इतनी गड्डियां हैं, इतनी गड्डियां हैं। इस गिनने का कोई फायदा नहीं है सिवाय अपने आप को खुश करने के। इस गिनने की ममानियत, इसको उर्दू में कहते हैं सैंत सैंत कर रखना, बैलेंस करके रखना। और क्यों रखना?
यहसब अन्नमा लहू अखलदा, वो गुमान करता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा, यानी उसके मरे पीछे उसका नाम उसके माल के सहारे रहेगा।